अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और सरदार इकबाल सिंह ने हल्द्वानी काठ गोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली तो कुछ कर्मचारी के पास सटीक उत्तर नहीं मिला, वहीं कहीं अधिकारी नदारद रहे। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को देहरादून अल्पसंख्यक कल्याण आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। वहीं सरदार इकबाल सिंह ने भी अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के बारे में जाना और सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी योजनाओं में समय से 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने संचालित योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी ब्लॉक में जाकर स्कूलों का भ्रमण करने व योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के लिए विद्यालयों में समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं पर आधारित वॉल पेंटिंग्स कराने की बात कही। उन्होंने पीएम जन विकास योजना, सीएम हुनर योजना, मौलाना आजाद के नाम से संचालित योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की। हमारी जिला नैनीताल की बैठक की समीक्षा बैठक है। अल्पसंख्यक कल्याण नीति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं और जन अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले दिनों हमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बैठक की। आज उसी में नैनीताल ज़िले की समीक्षा बैठक में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत और अल्पसंख्यक कल्याण नीति के तहत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और संबंधित विकास के कामों की योजना की आज हमने समीक्षा की और जो अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनको स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। लगभग 8 से 10 अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनसे स्पष्टीकरण